कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सीबीआई लगातार उनकी तलाश कर रही है। सारदा चिटफंड मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर सीबीआई का दबाव बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राजीव कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो सकता है। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को चिट्ठी सौंपी है। सीबीआई का कहना है कि राज्य में एक प्रमुख पद पर नियुक्त आईपीएस अधिकारी जब छुट्टी पर रहता है तो राज्य सरकार के पास उसकी पूरी जानकारी होती है कि वो कहाँ है। अब राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि राजीव कुमार के बारे में सटीक जानकारी दें। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से इस बारे में अपनी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। इससे पहले शनिवार को सीबीआई की टीम राजीव कुमार की तलाश करती रही लेकिन वो कहीं नहीं मिले। सीबीआई ने राजीव कुमार को नोटिस देकर अपने दफ्तर भी बुलाया था लेकिन वो नहीं आए। जवाब में राजीव कुमार की ओर से एक ईमेल की बात सामने आई है। राजीव कुमार ने कहा है कि वो छुट्टी पर हैं और उन्हें एक महीने का वक्त चाहिए। अपने जन्मदिन के मौके पर गुजरात में रहेंगे पीएम मोदी। मां से मुलाकात के अलावा कल सरदार सरोवर बांध भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात अहमदाबाद पहुंचेंगे। वो कल सुबह अपने 69वें जन्मदिन के मौके पर नर्मदा नदी की आरती करेंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर नमामि देवी नर्मदे उत्सव का आयोजन हो रहा है। पीएम मोदी कल सरदार सरोवर बांध पर जाएंगे और इसके पूरी तरह से भरने के गवाह बनेंगे। इस साल अच्छी बारिश होने से बांध का जलस्तर अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी आज से लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और उनकी उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी लगाएगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन आज सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ कितना बुरा बर्ताव होता है इसकी एक और तस्वीर सामने आई। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के घोटकी इलाके में कट्टरपंथियों ने एक मंदिर में तोड़फोड़। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के घोटकी की ये तस्वीरें वहां के अल्पसंख्यकों के हालात बताने के लिए काफी है। विवाद स्थानीय हाई स्कूल के एक हिंदू शिक्षक पर ईश निंदा के झूठे आरोप से शुरू हुआ। शिक्षक पर आरोप एक छात्र ने लगाया था। इसकी खबर जब कट्टरपंथियों को लगी तो उन्होंने स्कूल और मंदिर पर हमला बोल दिया और तोड़फोड़ कर दी। हैरानी की बात यह है कि इस मौके पर वहां मौजूद पुलिस तमाशबीन बनी रही। इस घटना के बाद घोटकी में रहने वाले हिंदू डरे हुए हैं। ये सब उस पाकिस्तान में हुआ जहां के पीएम आतंकवादियों और पत्थरबाजों पर एक्शन का मुद्दा यूएन में उठाने की गीदड़ भपकी देते हैं, जबकि पाकिस्तान में लगातार अल्पसंख्यकों पर हमले की खबरें आ रही है।